हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे जी बांस सेरा। बांस सेरा बांस शब्द से आया है। बांस मीन बैम्बू। ये बड़ी इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी है जी, कंसेप्ट है। द फाउंडेशन स्टोन वॉज लेट फॉर द दिल्ली फर्स्ट बैम्बू थीम पार्क। दिल्ली का पहला बैम्बू थीम पार्क, मतलब इस एरिया में बैम्बू से ही बने हुए ऐसे आपके होटल वगैरह या और कंस्ट्रक्शन है, बैम्बू की बनी होगी और पूरा पार्क बैम्बू का ही कंस्ट्रक्ट किया होगा। क्या नाम है इसका? बांसेरा। कहां जी बनाया जा रहा है? जमुना फ्लड प्लेन पे, जमुना के आसपास वाले एरिया पे। फ्लड प्लेन, जहां पर फ्लड प्लेन समझते हो, जैसे जब नदी में बाढ़ आती है तो उसका पानी और अधिक होने के कारण साइड में भी पानी बहने लग जाता है, और जब पानी कम होता है तो नीचे बीच में पानी की ऐसे जो स्ट्रीम है वो बहती है, नदी बहती है, और आसपास वाला एरिया उसे कहते हैं फ्लड प्लेन। ऐसा प्लेन जहां पर फ्लड आने पर पानी आ जाता है। तो जमुना के पास बांसेरा दिल्ली का फर्स्ट बैम्बू थीम पार्क बनाया जा रहा है। द पार्क विल हैव सेवरल एमिनिटीज। क्या क्या होगा इसमें? लाइक कॉन्फ्रेंस स्पेसेस, कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, मीटिंग वगैरह, वॉच टावर होगा, कियोस्क हो गए, कियोस्क होते हैं ना जो छोटे छोटे होते हैं खोखे टाइप, यहाँ से अपने जैसे रेलवे स्टेशन पर वो खाने का सामान बेचने वाले होते हैं कियोस्क, ठीक, हट्स, झोपड़ी वगैरह, एंड सीट्स फॉर पब्लिक यूज इन ए ग्रीन वे एरिया, ठीक है। तो ये सब होगा विद बैम्बू कर्टेन एनक्लोजर। तो सब चीजें किससे बनी होंगी? बैम्बू से, बांस से। आगे है जी रामसर साइट के ऊपर थोड़ा पढ़ ले। इंडिया एड्स 11 मोर वेटलैंड टू द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स टू मेक ए टोटल 75 रामसर साइट्स। तो कितने हैं? 11 और ऐड हो गए रामसर लिस्ट में और 75 टोटल रामसर साइट्स आ गए। ये क्वेश्चन ना कम से कम जो एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, या कोई इंटरव्यू पर जाता है बंदा, या लेक्चरर के क्वेश्चन में करंट अफेयर्स वाले ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं, कितने रामसर साइट्स हो गए हैं हमारे? 75, ठीक है जी। पुरोज, पुरोज क्या है? इट इज एन एंटी पोल्यूशन हेलमेट दैट कैन हेल्प टू व्हीलर राइडर्स ब्रीथ क्लीन एयर। ऐसा हेलमेट जो कि क्या करता है, पोल्यूशन को फिल्टर कर देता है, आप साफ हवा सांस में लेते हो, ब्रीथ करते हो। द हेलमेट फिल्टर्स पार्टिकुलेट मैटर। तो जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं ना, सॉलिड सस्पेंडर पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, धूल मिट्टी के कण वगैरह छोटे छोटे, एंड क्लीन्स द एयर बिफोर इट रीचेस द बाइकर, ठीक है जी, इसको फिल्टर कर देता है पुरोज। पुरोज क्या है? ऐसे क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव पर। एंड पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंसेस, ये क्या सब्सटेंसेस होते हैं पढ़ लेते हैं। These are man-made chemicals, chemicals हैं इंसान के द्वारा बनाए हुए, used to make non-stick cookware। तो जो आपके कहते हैं non-sticky, वो काले रंग की परत सी चढ़ी होती है बर्तनों में तड़का लगाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, जो पैन है हमारे cookware, उसकी उसको मेक करने में ये वाले केमिकल्स यूज होते हैं। वाटर रिपेलेंट क्लॉथिंग में यूज होते हैं, ऐसे क्लॉथ जिसमें पानी रिपेल हो जाता है, पानी वो सोखते नहीं है। स्टेन रेजिस्टेंस फैब्रिक्स, ऐसे फैब्रिक जहां पर दाग नहीं पड़े, ना पड़े। कॉस्मेटिक में, फायर फाइटिंग में, आग बुझाने के लिए, एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स दैट रेजिस्ट ग्रीस वाटर एंड ऑयल। ऐसे प्रोडक्ट जो कि ग्रीस वगैरह वाटर या ऑयल को रेजिस्ट करते हैं, उसमें ये वाला केमिकल यूज होता है। दे डू नॉट डिग्रेड इजिली सो रिमेन इन द एनवायरमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। ये दिक्कत आ गई, अब आपने इसको यूज तो कर लिया प्रोडक्ट को, पर ये जो केमिकल्स हैं ये जनरली डिग्रेड नहीं होते, मीन इनका विघटन नहीं होता, तो ये लेस हार्मफुल फॉर्म में आपके नहीं बनते, तो काफी समय तक सिस्टम में एनवायरमेंट में रहते हैं, तो बस फिर हो गया इसके एडवर्स इफेक्ट्स। सो दे हैव एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमंस एंड एनिमल्स। कौन कौन से होते हैं एडवर्स इफेक्ट्स वो देख लो। डिक्रीज फर्टिलिटी, प्रजनन शक्ति कम हो जाती है। इंक्रीज कोलेस्ट्रोल लेवल्स, ठीक है, कोलेस्ट्रोल बढ़ जाता है खून में हमारी बॉडी में, तो फिर क्या होगा, आपको पता है डायबिटीज होती है इससे। एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर, कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है।
डेवलपमेंटल रिलेटेड इफेक्ट्स इन चिल्ड्रन, बच्चों की सही ढंग से ग्रोथ नहीं हो पाती, डेवलपमेंट नहीं हो पाती। इंटरफेरेंस विद बॉडी हार्मोन्स, तो बॉडी हार्मोन्स है जो हमारे, आपको पता है कि हार्मोन्स के कई फंक्शंस होते हैं, कई तरह के हार्मोन्स होते हैं और उनके कई तरह के फंक्शन होते हैं, तो उसकी फंक्शनिंग में भी गड़बड़ हो जाती है। एंड डिफिकल्टीज टू बिल्ड एंटीबॉडीज आफ्टर वैक्सीनेशन, तो जब हमको वैक्सीनेशन दी जाती है, आपको पता है वैक्सीनेशन का कंसेप्ट ही ये है कि आपके बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो, पर इन केमिकल्स के कारण और एंटीबॉडीज की कमी हो गई, एंटीबॉडीज ढंग से नहीं बनी, और हमको पता है कि एंटीबॉडीज रोगों से लड़ने में हमारी मदद करती है, तो बस नुकसान ही नुकसान। आगे है जी जॉम्बी आइस, आप जरा ध्यान से देखो जॉम्बी आइस, जॉम्बी आपने फिल्में देखी होंगी, हॉलीवुड वगैरह में आती है फिल्में ना जॉम्बी, वो एक को खून लगता है उसका दूसरे को लगता है तो वो जॉम्बी टाइप बन जाते हैं, ठीक है, मीन उनकी बॉडी पर कंट्रोल नहीं रहता, तो एक को इफेक्ट होता है दूसरे को इफेक्ट करते हैं, वो जिसको काट लेते हैं उसी को वो अपने जैसा बना लेते हैं, तो इसी प्रकार की आइस है, आइस का मतलब बर्फ। जॉम्बी और डूम्ड आइस, डूम्ड मतलब जो दिखती है वैसी नहीं, कुछ और चीज बन गई, इस आइस दैट इज स्टिल अटैच टू थिकर एरियाज ऑफ आइस, वो जो थिक आइस है उसके साथ अटैच तो है बट इज नो लॉन्गर गेटिंग फेड बाय ग्लेशियर, लार्जर ग्लेशियर्स, लार्जर ग्लेशियर से इसको आइस नहीं मिलती बिकॉज द पेरेंट ग्लेशियर्स आर गेटिंग लेस स्नो, क्योंकि पेरेंट ग्लेशियर को कम स्नो मिली तो स्नो इन ग्लेशियर को भी कम मिली, तो इस प्रकार क्या हुआ, ये वाले इतने वो वाले इनकी ग्रोथ रुक गई इनकी, तो ये स्ट्रॉन्ग से कोई आइस नहीं हुई, इनका कोई सोर्स नहीं अब रहा आइस एड होने का, तो फिर क्या होगा, विदाउट रिप्लेनिशमेंट, मतलब अगर अब इनकी बर्फ पिघली तो दोबारा पीछे से दूसरे ग्लेशियर से बर्फ इनको नहीं मिलेगी, तो रिप्लेनिशमेंट नहीं हुई। द डूम्ड आइस इज मेल्टिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज के कारण ये धीरे 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 क्या है मेल्ट हो रही है और ये दोबारा नहीं बन रही, एंड विल रेज द सी लेवल, सी लेवल को बढ़ा देगी, आपको पता है कि जब बर्फ पिघलेगी नदियों में पानी आएगा, अल्टीमेटली ये पानी समुद्र में जाएगा और समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा, दस जॉम्बी आइस इज सर्टन टू मेल्ट एंड रेज सी लेवल, तो ये आइस क्या है तो आइस पर ये क्या है अब इतनी स्टेबल नहीं है क्योंकि पीछे से दोबारा ग्लेशियर इसका सोर्स इसको आइस नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो ये जल्दी ही पिघल जाएगी और सी लेवल का राइज करेगी, इसे कहते हैं जॉम्बी आइस। आगे है जी नीलकुरुंजी, नीलकुरुंजी इंपॉर्टेंट है जी, नीलकुरुंजी ये देखो ऐसे है जी, वेस्टर्न घाट में ऐसी शक्ल है, इसको देख लो शक्ल को, ये नीले रंग की कुरुंजी ऐसे फूल होते हैं जी, देख लिया फूल, अब पढ़ लेते हैं, इट इज ए श्रब, बेसिकली झाड़ियां हैं, मेनली फाउंड इन द शोला फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, शोला फॉरेस्ट आपको पता है वेस्टर्न घाट में होते हैं, ये क्या है बहुत बड़े बड़े वृक्ष नहीं होते शोला फॉरेस्ट में, शोला ग्रासलैंड बड़ी फेमस है, तो छोटी नहीं होती, थोड़ी श्रब टाइप होते हैं ये एरिया, तो उसमें नीलकुरुंजी पाई जाती है, मतलब साउथ में वेस्टर्न घाट में। द फ्लावर्स ऑफ नीलकुरुंजी आर पर्पल ब्लू इन कलर, नीले रंग के थोड़े पर्पल कलर के ऐसे इनके फ्लावर्स होते हैं, ठीक, एंड ब्लूम वंस इन 12 years, और 12 साल में एक बार ही इनको क्या है फूल लगते हैं, ठीक है जी, इसका मतलब 12 साल के बाद 12वें साल जब इनको फूल लगेंगे तो पूरा नीला नीला सा हो जाएगा। सम ऑफ देम ब्लूम वंस एवरी 7 years, किसी को 7 साल में भी फूल लग जाते हैं, एंड देन डाई, फिर ये मर जाते हैं, ठीक है जी। देयर सीड्स स्प्राउट सब्सिक्वेंटली, तो जब मर गए तो उनके बीज बाद में फिर अंकुरित हो जाते हैं। द फ्लावर हैज नो स्मेल, कोई स्मेल नहीं, और एनी मेडिसिनल वैल्यू, और कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इट इज द रेयरेस्ट ऑफ रेयर प्लांट स्पीसीज दैट ग्रोज इन वेस्टर्न घाट्स, तो बहुत ही कम पाई जाने वाली है, इतनी आम नहीं मिलते ये वाले प्लांट्स, एंड डज नॉट ग्रो इन एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो किसी वर्ल्ड में कहीं विश्व में कहीं और नहीं पाए जाते, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, इसका मतलब नीलगिरी में पाए जाने वाला नीलकुरुंजी इंपॉर्टेंट फ्लावर है, तो जे जे इसकी प्रॉपर्टियां हैं आपने फोटो देख ली। नीलगिरी हिल्स
लिटरली मीनिंग द ब्लू माउंटेन्स, तो जो नीलगिरी मतलब नीला, नीलगिरी हिल है जो हमारी पहाड़ियां हैं वेस्टर्न घाट में, उसका शाब्दिक मतलब क्या है, नीली पहाड़ियां, ब्लू माउंटेन्स आर नेम्ड फ्रॉम द ब्लू फ्लावर्स ऑफ नीलकुरुंजी, तो वो नीलकुरुंजी के नाम से ही, उनके नीले रंग के फूलों के नाम से ही नीलगिरी हिल्स का नाम पड़ा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इंपॉर्टेंट क्या है कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, इसको आपने बार बार पढ़ना है। आगे है जी चीता, चीता और एसिनोनिक्स जुबेटस, ये इसका साइंटिफिक नेम हो गया, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द बिग कैट स्पीसीज, तो जो बड़ी कैट स्पीसीज है बेसिकली, ये शेर हो गए, बब्बर शेर हो गए, टाइगर, लायन है ना, लेपर्ड, जैगुआर, ये क्या है, ये कैट की स्पीसीज ही तो है ना, तो उनमें से एक है चीता और ये बहुत पुरानी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पीसीज है, ठीक है जी। एंड इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड मैमल, धरती के ऊपर सबसे अधिक तेज दौड़ने वाला मैमल, मतलब इनकी फीमेल में दूध की ग्रंथियां होती हैं, वो कौन सा है जानवर, चीता। चीता वर डिक्लेयर एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन 1952, 1952 में इंडिया में ऑफिशियली कह दिया गया था कि हमारे यहां चीते खत्म हो गए हैं, ठीक है जी। एशियाटिक चीता इज कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड ऑन IUCN लिस्ट स्टेटस, तो एशिया में, एशिया वाला चीता है ना जो बॉर्डर लाइन है, वो क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मतलब कि इक्का दुक्का ही है, बाकी मतलब खत्म हो गए हैं काफी। दीज आर स्लाइटली स्मॉलर एंड स्लेंडर देन द अफ्रीकन चीता, अफ्रीका में पाए जाने वाले चीते के मुकाबले ये साइज में छोटे होते हैं और थोड़े स्लेंडर, स्लेंडर मतलब जैसे हम कहते हैं जो चोंच होती है वो स्लेंडर होती है, मतलब मुड़ी हुई। ओनली फ्यू एशियाटिक चीता आर लेफ्ट इन ईरान, अगर एशियाटिक चीता की बात करें तो वो ईरान में ही पाए जाते हैं जनरली, एक जो थोड़े बहुत हैं वो ईरान में ही पाए जाते हैं। इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी पहले ईरान से ही कि हमको चीता दे दो, पर ईरान ने रिफ्यूज कर दिया, ठीक है जी। आगे बात आए जी चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम, भी हमने चीते को क्या किया है, दोबारा फिर इंडिया में री इंट्रोड्यूस किया है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज्ड 8 चीतास ब्रॉट फ्रॉम नामीबिया, 8 चीते कहां से आए हैं, नामीबिया से, कहां पर जे री इंट्रोड्यूस किए गए हैं, कुनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस नेशनल पार्क में चीते की री इंट्रोडक्शन की गई है, कुनो नेशनल पार्क, ठीक है जी। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट हैज लॉन्च द एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया, तो हमारा जो प्लान था, प्लान हमने लॉन्च किया है कि हम इंडिया में चीता लॉन्च करेंगे, री लॉन्च करेंगे, अंडर विच 50 चीतास विल बी री इंट्रोड्यूस्ड इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो 50 के करीब हमारा टारगेट है, हम 50 चीते बाहर से इंडिया में लाएंगे, 8 लाए हैं, धीरे धीरे और भी लाएंगे, ठीक है जी, ये बात होगी। लास्ट ईयर, पिछले साल द सुप्रीम कोर्ट हैज लिफ्टेड इट्स 7-year लॉन्ग स्टे ऑन ए प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस अफ्रीकन चीतास फ्रॉम नामीबिया इनटू द इंडिया, तो ये प्रपोजल था कि हम बाहर से चीता लाएंगे, पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या था, स्टे लगा दिया था, नहीं ऐसा नहीं करना, पर पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने ये वाला स्टे लिफ्ट कर लिया था, ठीक है जी। The other recommended sites for holding and conservation breeding of cheetah in India in controlled wild conditions are, तो दूसरे कौन कौन सी sites हैं जहां पर हम cheetah लाएंगे, वो है नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश। देखो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपको ऐसा ही आए कि चीता कहां कहां लाया जाएगा, ठीक, अगर आपने ये टॉपिक पढ़े हैं तो एग्जामिनर इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, बताओ जी नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां है, तो आपको पता होना चाहिए ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है जी। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बैन सरोवरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश, तो बेसिकली मध्य प्रदेश ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश, और दो और कौन से हैं, राजस्थान में सागर बल्ज जैसलमेर में और मुकुंदारा टाइगर रिजर्व राजस्थान, ये दो है, ठीक है जी। तो प्रोजेक्ट चीता क्या था, हमारा जो प्रोजेक्ट चीता था वो क्या है, इट एम्स टू इंट्रोड्यूस अफ्रीकन चीता इन इंडिया, अफ्रीका वाला चीता, देखो जो वैरायटियां होती है एशियाटिक चीता, अफ्रीकन चीता, तो अफ्रीकन चीता को हम इंडिया में लाएंगे। एंड इज ए पार्ट ऑफ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर ही आता है प्रोजेक्ट चीता,
क्योंकि चीता भी क्या है, कैट की एक वैरायटी है। चीताज आर द ओनली लार्ज वाइल्ड मेमोलियन स्पीसीज दैट वेंट एक्सटिंक्ट सिंस इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947। आजादी के बाद कोई ऐसा बड़ा वाइल्ड मैमल है जो भारत में एक्सटिंक्ट हुआ, तो वो कौन है? चीता। अंडर द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट चीता के अंदर क्या होगा? द गवर्नमेंट प्लान्स टू इंट्रोड्यूस एट लीस्ट 50 चीतास इनटू वेरियस नेशनल पार्क्स। कम से कम 50 चीते हमने लेकर आने हैं ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, ये बात होगी। आगे है जी हुसैन नगर लेक, ये क्या है? ये हैदराबाद में है। हैदराबाद कहां? तेलंगाना में। इट इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनमेड लेक्स इन द कंट्री। मैनमेड मतलब कुदरती रूप से नहीं, इंसान ने बनाई है, तो उनमें से एक है ये और काफी बड़ी है। Recently, the lake was filled with debris after the immersion of Ganesha idols. तो ये एक बात थी कि जब गणेश फेस्टिवल आता है ना, तो उसके बाद गणेश आइडल्स आप पानी में विसर्जित करते हो, तो इस झील में इतने गणेश आइडल्स उनकी मूर्तियां विसर्जित करती कि ये लेक क्या होगी, पूरी भर ही गई, तो इसलिए ये लेक न्यूज में थी। तो हुसैन सागर लेक कहाँ है? तेलंगाना है ना में, कहाँ? हैदराबाद में। भीमबंद लेक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लेक है, न्यूज में भी रहती है, ये क्या है? इट इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। क्वेश्चन आ जाएगा इंडिया की सबसे लंबी लेक कौन सी है? भीमबंद। एंड द लार्जेस्ट लेक इन द स्टेट ऑफ केरला, केरला की सबसे बड़ी लेक, इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट और केरला की सबसे बड़ी लेक। इट इज आल्सो नोन एज पुनामाड़ा लेक इन कोटानंद, कोटानंद में इसको पुनामाड़ा लेक भी कहते हैं, एंड कोची लेक इन कोची, कोची में कोची लेक भी कहते हैं। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया, ठीक, आफ्टर द सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल। सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है इंडिया में? सुंदरबंस, कहां? वेस्ट बंगाल में। और दूसरे नंबर पर कौन सी आई? भीमबंद लेक, ठीक है जी। वल्लम काली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया फ्री के लिए, वल्लम काली ये क्या है? नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। तो जब आपने कभी टीवी में देखा होगा कि लंबी लंबी किश्तियों की रेस लगती है केरला में, क्या है वो? इज ए स्नेक बोट रेस, उसे स्नेक बोट रेस कहते हैं, क्योंकि किश्तियों का साइज ऐसे लंबा लंबा सा होता है ना किश्तियां, तो आपस में वो रेस लगाते हैं, जो कि हर साल लगती है, कहां? वो इसी भीमबंद भीमबंद लेक में लगती है, ये आपने याद रखना है जी। आगे है जी चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहां है? लद्दाख में, लोकेटेड इन द लद्दाखी चांगथांग प्लेटू इन द लेह, लेह में, लेह डिस्ट्रिक्ट एरिया कौन सा? लद्दाख। द हाइएस्ट लेक ऑन अर्थ कौन सी? टी सो मोरेरी लेक, मोरेरी लेक। ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ये वाली लेक किस स्टेट में है, ये वाली लेक किस स्टेट में है, तो ये लेह डिस्ट्रिक्ट में, टी सो मोरेरी लेक इज लोकेटेड इन दिस सेंचुरी, कौन सी? चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज कौन सा? कॉर्जॉक विलेज इज आल्सो लोकेटेड इन द सेंचुरी, वो भी इसमें है, जिस वर्ल्ड का हाईएस्ट सबसे ऊंचाई वाला, सबसे ऊंचाई वाली लेक भी यहां पर है। चांगथांग वहां के लोकल जो है ना हिरन की वैरायटी होती है, उससे नाम आया है ये चांगथांग, चांग, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं जी, शुक्रिया जी, नमस्कार।